लीग में मैं बोलते हैं आप लोगों के साथ। आइए नजर डालते हैं खास खबरों की ओर। लालचूर में कल शनिवार को हुआ खूनी संघर्ष। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय के आजाद चौक क्षेत्र में शनिवार सुबह आपसी विवाद के चलते दो पक्षों में लाठी और भाटा से खूनी जंग हुई। खूनी जंग के दौरान 8 लोगों को चोट लगी। लालचोट के आजाद चौक की वो सड़क पर जिस पर से दोनों पक्षों के लोग गुजरा करते थे, आज वो ही सड़क एक दुकान के मामले को लेकर दोनों पक्षों की लड़ाई के चलते खून से लहूलुहान हो गई। लाठी व डंडों के चलते दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। घटना में 4 महिलाओं सहित 8 लोग घायल हुए। आजाद चौक की इस घटना के चलते चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और शनिवार का दिन दोनों पक्षों के लिए हंगामे का दिन रहा। उधर लालचोट पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही घटना स्थल पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालचोट पहुंचाया गया, जहां पर सभी घायलों का उपचार किया गया। गंभीर चोट लगने पर एक घायल को जयपुर के लिए रेफर भी किया गया। वहीं इस मामले को लेकर लालचोट पुलिस ने 3 लोगों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया। सदा बालाजी धाम पर हुई शनिदेव महाराज प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा। श्री सुता बालाजी धाम पर चल रहे श्री राम हनुमत शनिदेव पंचकुंडीय महायज्ञ के 5वें दिन भगवान शनिदेव महाराज की प्रतिमा को मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। सुता बालाजी धाम के महंत श्री 108 बालकदास जी के सानिध्य में शनिदेव की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापना की गई। वहीं पंडित सत्यप्रकाश सहित बाहर से आए पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण कर मूर्ति स्थापित की। वहीं कार्यक्रम के मुख्य यजमान अविनाश खत्री संपत्नी मौजूद रहे। क्षेत्र सहित बाहर से आए साधु संतों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। महाराज बालकदास जी ने कहा कि यह कार्यक्रम अंता के लिए सौभाग्य की बात है। क्षेत्र में शनिदेव महाराज के मंदिर की कमी थी, जिसे भक्तों के सहयोग से पूर्ण कर लिया गया है। अब कस्बेवासियों को भगवान शनिदेव के दर्शनों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस कार्यक्रम के दौरान महामंडलेश्वर श्री महंत वैष्णवदास त्यागी जी, अखिल भारतीय पंच 13 भाई त्यागी उत्तर प्रदेश, अखिल भारतीय पंच 13 भाई त्यागी महंत रामलखन दास जी केशवाराय पाटन, प्रमोद मालय, जगदीश मालव, कमलेश ATN सहित कई लोग उपस्थित रहे। पाली जिले में डेंगू के बढ़ते प्रकोप से अलर्ट हुआ प्रशासन। डेंगू प्रभावित क्षेत्रों का करवाया जा रहा है सर्वे। जिले के कई क्षेत्रों में अब तक नहीं करवाया गया फॉगिंग स्प्रे। लगातार डेंगू से सर्दी जुकाम के मरीज की संख्या बढ़ती जा रही है। स्वाइन फ्लू जैसे खतरनाक वायरस फैलने की भी आशंका बढ़ती जा रही है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।